धर्मनगरी वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के बाद अब जर्मनी के राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रारंभिक सूचना के बाद जिला प्रशासन ने बैठक की और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। जिला अधिकारी ने बताया कि 22 मार्च को जर्मनी के राष्ट्रपति का दौरा संभावित है। अभी तक की जो हम लोगों की सूचना है, जर्मनी के राष्ट्रपति 22 मार्च को आएंगे लगभग 10:30-11 बजे और उनका सारनाथ में जो म्यूजियम है और जो टेम्पल है वहाँ जाने का कार्यक्रम है। 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट जाने का कार्यक्रम है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विद्वानों और कुछ छात्रों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है और गंगा आरती देखने का कार्यक्रम है और उसी शाम वापस होने का कार्यक्रम है। उसके दृष्टिगत सारी तैयारियां की जा रही हैं, साफ सफाई। इसके मद्देनजर 15 दिन पहले जर्मनी के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बनारस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और राष्ट्रपति की तरफ से किए जाने वाले भ्रमण स्थलों को भी देखा था। डीएम ने बताया कि जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर 22 मार्च को BHU सारनाथ दीनदयाल संकुल के अलावा 80 से दशाश्वमेध घाट तक गंगा में नौका विहार करेंगे और शाम को दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी देखेंगे। वाराणसी से काशीनाथ शुक्ल की रिपोर्ट।